तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज प्रवीण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड इज राउंड सी फ्लो। वेल, आज मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अपने घर से करमटोली से एयरपोर्ट जाऊँगा एंड उस बीच में आप यू कैन सी दैट फुटेज कैसा आ रहा है एंड व्लॉग्स आप देखोगे कि रांची का मानसून सीजन में मॉर्निंग आवर में कैसा सिचुएशन रहता है एंड ट्रैफिक कैसा रहता है सुबह सुबह। तो मॉर्निंग स्कूल टाइम है तो अभी लगभग 8:30 बज रहा है, 8:25 हो गया, 8:30 तो वीडियो देख रहो, इन्जॉय करो इस फुटेज को एंड मज़ा आएगा ब्लॉग्स करने में। तो जैसे जैसे जाते जाऊंगा तो लोकेशन का अपडेट करूंगा। तो अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं आदिवासी हॉस्टल। तो रांची का बहुत ही फेमस आदिवासी हॉस्टल है, आपका करमटोली क्षेत्र पड़ता है, करमटोली रांची, करमटोली क्या बोलेंगे, मतलब करमटोली और जेल चौक के बीच में। तो सुबह सुबह ट्रैफिक, स्टूडेंट्स जा रहा है, मतलब स्टूडेंट लोग जा रहे हैं सभी स्कूल्स एंड देखते हैं कितना देर में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मतलब कितना मिनट लगता है पहुंचने में। एक्चुअली मेरे को अपने एक फ्रेंड आने वाला एयरपोर्ट, वो निकलेगा आई थिंक दिल्ली शायद में भी जाएगा। तो फ्लाइट है रांची एयरपोर्ट से, तो उसे कुछ सामान हैंड ओवर करना है एंड उससे मिल भी लूँगा एंड मेरा ब्लॉग भी बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ जेल चौक। तो रांची के कुछ कुछ फेमस चौक थे, जेल चौक हो गया, जेल चौक के जस्ट सामने है बिरसा मुंडा संग्रहालय। ये पहले जेल हुआ करता था, तो इसे जेल को कन्वर्ट करके आपका सीधे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर बिरसा मुंडा से रिलेटेड आप स्टैचू एंड और भी अदर ट्राइबल जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके स्टैचू आपको मिलेंगे एंड उनके बारे में डिटेल्स आपको मिलेगा कि पहले जो जैसे क्रांति हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे ट्राइबल्स संघर्ष किए थे उसका कुछ चल चित्र पिक्चर्स आपको दिखेगा वॉल पे एंड स्टैचू पे भी। तो यू कैन सी दैट आओ, हमेशा एवरी सुबह से आई थिंक 10 बजे के बाद से ओपन हो जाता है एंड शाम 5 या 6 बजे तक बंद होता है। तो आके विजिट कर सकते हो और अपना हिस्ट्री और झारखंड की हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये है आपका चटरी तालाब। तो चटरी तालाब है आपका मेन रोड का जस्ट सामने ही पड़ेगा, चटरी तालाब खूबसूरत है और मौसम भी लग रहा है कि आज झिमिर झिमिर बारिश करेगा, लग रहा है करेगा। ओके, तो अभी जस्ट चटरी पहुंच गए, ये चटरी एरिया। तो छोटा सा ये पहले बहुत पहले की बात है, उसमें छोटा सा गांव हुआ करता था, मेन रोड का सबसे क्लोज गांव। तो बहुत ही सही है, अभी जस्ट मेन रोड पहुंच ही जाएंगे अपन। पता नहीं कॉल आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा। तो ये है मेन रोड, इसको बोलते हैं अल्बर्ट एक अच्छा, जो हमारे परमवीर चक्र जिसको जिनको मिला था आर्मी में थे वो एंड वो शहीद हुए थे, तो उनका ये स्टैचू आपको बीच पे देखिएगा। तो पानी का असर है, कल हल्का फुल्का बंदी का असर था। एक्चुअली कल हमारे CPIM के अध्यक्ष बोलेंगे तो नेता थे, उनका कल असामाजिक तत्व बोले या फिर जो भी गुंडे थे वो आके 8 गोली फायर किया था, तो
के आक्रोश में, मतलब उनके लिए, और वो उनका देहांत हो गया तो उनके लिए सारे रांची में प्रॉपर बंदी किया गया था। आदिवासी ट्राइबल सुभाष मुंडा जी थे, तो उनके आत्मा के लिए प्रेयर करते हैं। और जो भी गलत काम किया है, जिस तरह से फायरिंग हुआ, तो उन अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको पकड़ने का कोशिश करा जाए ताकि ऐसा कोई सिचुएशन ना हो। वेल, अभी जस्ट पहुंचा हो मैन रोड क्रॉस करने के बाद यह डेली मार्केट, रांची का बड़ी फेमस मार्केट है। सुबह सुबह हमेशा रश रहता है और मुहर्रम भी है, मतलब मुहर्रम का सीज़न चल रहा है। तो मेरे तरफ से सभी को मुहर्रम, जितने मुस्लिम भाई लोग को, सबको मुबारक, मुहर्रम मुबारक, एंड एंजॉय करें। तो डेली मार्केट में एनी टाइम मॉर्निंग आवर में आप देखोगे सब्जी मार्केट है, रांची का सेंटर में सब्जी मार्केट है। सारा जितना फूडी, मछली, चिकन वगैरह सारा चीज़ यहाँ मिलता है। तो सुबह मार्केट लगता है अंदर में। तो वेल, अभी सुबह सुबह क्या बोलेंगे, दादा माँ सटाइयो। ओके, तो अभी जस्ट पहुँचे हैं गुरु नानक, ये है गुरु नानक टेम्पल खूबसूरत। तो इसके बारे में और नॉलेज है, गुरु नानक श्री गुरु सिंह दरबार, दरबार नहीं क्या बोलेंगे, एक तरह से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रांची का कुछ फेमस फेमस प्लेस है। और ये रांची का न्यू अपडेट, एक न्यू मॉल बन रहा है, सिंह मूवी थिएटर हो तो बहुत अच्छा है, रांची का एक और थिएटर मिल जाएगा। तो ये शानदार शॉपिंग मॉल जल्दी ओपन होने वाला, मिलेंगे और अपडेट भी करेंगे यहाँ का मॉल के बारे में जब ओपन हो जाएगा। और ये जस्ट मस्जिद सोचो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब आमने सामने। तो ये फ्लैग देख सकते हो, फुल तैयारी में है मुहर्रम का। एंड ये है आपका कैपिटल हिल, और बारिश टिप टिप बरस रहा है बारिश। ये है मेन रोड, सुबह सुबह खाली रहता है। जब सुबह के बाद अगर आओ, बाप रे बाप क्या रश हो जाता है। कार की वजह से भी ट्रैफिक जाम हैवी रहता है रांची का। ओके, रोस्पा टावर अभी जस्ट क्रॉस किया एंड वी हैव विथ सुजाता चौक। तो ये जो स्टैचू दिख रहा है वो है मेन सुजाता चौक। यहाँ से लेफ्ट साइड आप गोस्वामी कॉलेज की ओर जा सकते हो एंड राइट साइड बहुत ही फेमस थिएटर था सुजाता मूवी थिएटर, अभी चलता ही नहीं, चलता ही होगा। और ये लेफ्ट साइड है मार्केट, लेफ्ट साइड शॉपिंग, मतलब छोटा छोटा शॉप था जो कंप्यूटर से गैजेट्स वगैरह सारा मिलता है। अरे अरे जाने थे। चलो साफ करना पड़ेगा डस्ट। चलो कुछ दिखिए नहीं रहा है। तो वेल, थोड़ा सा अब जस्ट पहुँचे हैं ओवर ब्रिज। तो ओवर ब्रिज में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो रांची में आपको डबल फ्लाईओवर मिलेगा जो आपका रेलवे क्रॉसिंग करते हुए सीधे आपका सिरम टोली चौक की ओर जाएगा। तो
तो जिससे क्या है कि जो ट्रैफिक लगता है मेन रोड में या फिर ओवर ब्रिज में, वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड आप आराम से फ्लाईओवर करते हुए जाओगे। तो ये जो देखा क्रेन इन्हीं से वर्क हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्टअप होगा मस्त। ये जगह प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है और काफ़ी मजबूती लग रहा है। क्या हाइट है भाई, ओ, 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 तो ये है, इतना दूर आपका पहुंच चुका हूँ फ्लाईओवर का, डबल फ्लाईओवर। ओके, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, तो ये बहुत ही शानदार लगेगा। तो रांची में हमको लगता है अभी तक का ये सबसे फास्टेस्ट वर्क हुआ है, इसी साल हुआ जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो अच्छा, इसी तरह काम होते रहे और भी बहुत सा फ्लाईओवर बने, ताकि रांची का जो ट्रैफिक है वो एटलीस्ट थोड़ा कम हो और जो भी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो देख रहे हो ना भाई, खतरनाक पिलर। ओके ओके, तो इस यहाँ बोलते हैं इसको राजेंद्र चौक। तो राजेंद्र चौक से राइट साइड के और भी फ्लाईओवर बन रहा है एंड इधर नेपाल हाउस जाते हैं, तो नेपाल हाउस कुछ दूर तक फ्लाईओवर बनेगा ताकि बोथ साइड का ट्रैफिक क्लियर हो जाए, नीचे से भी आसानी से अपन जा सकते हैं। तो अभी इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो ब्लॉक किया हुआ है, फ्लाईओवर का बहुत सा वर्क हो ही रहा। ओके चलो, अच्छा है। तो सुबह सुबह का ट्रैफिक आप देख सकते हो रांची में, अभी 8:30 ही बज रहा, 8:30 बज के आई थिंक 8:40 होने वाला है ट्रैफिक। रांची के ट्रैफिक ऑलवेज हैवी ट्रैफिक बिकॉज पॉपुलेशन भी बढ़ गया है एंड बाइक कार वगैरह का पॉपुलेशन बढ़ गया है, ऑटो का पॉपुलेशन बढ़ गया है, और ऐसे भी रांची राजधानी है तो ट्रैफिक तो होना ही होना है। तो उसके लिए रोड्स वगैरह चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके जाम से हमें निजात मिलेगा। और तो जस्ट मेरे लेफ्ट साइड आपको दिखेगा, आप देख सकते हो इधर, ये रास्ता नेपाल हाउस जाता है, सीधा जाके नेपाल हाउस। और यहाँ का मोमो बहुत फेमस है, नेपाल मोमो, नेपाल हाउस का मोमो। इस एरिया में मोमो खाना है तो नेपाल हाउस की ओर जाना है। और ये पहुंच गया हाई कोर्ट, रांची का हाई कोर्ट। यहाँ पर आपका रेड कलर का जो दिख रहा है ना, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। तो अपन को चलना है राइट साइड, कटना है। ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ भाई, तो अभी उधर से फ्लाईओवर का काम चल रहा है जिसके वजह से इधर रूट डाइवर्ट कर दिया है, नहीं तो इधर जाने को उतना जरूरत नहीं पड़ता। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ देर में अपन पहुंच जाएंगे डोरंडा। तो ये एरिया आपका प्रशासनिक विभाग से रिलेटेड एरिया है, हाई कोर्ट है, कुछ डेलीगेट्स वगैरह सभी इधर रहते हैं। विधानसभा सीधा जाना, हवाई अड्डा ही अपन लोग को जाना, मतलब मुझे जाना एयरपोर्ट। ये चौक हो गया आपका, उधर इसी तरह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चलो ब्लॉक करके रखा हुआ, कुछ कुछ गाड़ी जा सकता है। ओके, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, इसके अंदर है मैकॉन लिमिटेड, मैकॉन कंपनी है, उसी का ऑफिस है यहाँ पर। और हवाई अड्डा है 3 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से जा सकते हैं अपन। और ये डोरंडा चौक, डोरंडा चौक पहुँच गया अपन, पता ही नहीं चला। और ये है
डोरंडा कॉलेज जो बहुत फेमस है, अभी पता नहीं एग्ज़ाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डोरंडा कॉलेज रांची, उसी का जस्ट अपोजिट साइड है श्री कृष्ण सिंह पार्क है। यहाँ पर कॉलेज के बाद टाइम पास करना तो पार्क में सभी बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। तो बस एयरपोर्ट बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ देर में अपन कुछ दूरी पे ही, कुछ मीटर में ही पहुँच जाएंगे हिनू चौक। एक्चुअली मेरा क्लासमेट का घर है कीड़ी भाई, कीड़ी ब्रो का। और यहीं पर थोड़ा सा आगे देख रहे हो आप, ये एक मॉल दिखेगा राइट साइड, ये लिप्टस का पेड़ से छुपा हुआ है। ये है मॉल, है फन सिनेमा। फन सिनेमा और आईलेक्स बगल में मूवी थिएटर है, आराम से जिसको मूवी देखना है तो आराम से मूवी देख सकता है। रांची में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सेस हुआ, इतना कि नया नया घर, नया नया बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है बहुत फास्ट। मतलब मेरे को लगता है डेली कितना हजारों घर बन के तैयार होता होगा डेली, मतलब इस तरह से फास्ट ग्रोथ चल रहा है। मतलब प्राइवेट घर, बाकी का पता नहीं। तो अपन पहुंच ही गए लगभग हिनू चौक। तो मेरा लेफ्ट साइड है ये इंदिरा, आई थिंक ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स है, इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स, और ये है चौक। और ये हिनू चौक, यहाँ सीधा अपन को जाना है राइट साइड, अगर कट मारेंगे तो सीधा बिरसा चौक पहुंच जाएंगे। तो भाई अभी जस्ट लगभग 15 मिनट लगा पहुंचने में एयरपोर्ट एरिया। यू नो व्हाट, एयरपोर्ट तो हमेशा जाता हूं लेकिन फ्लाइट से कभी ट्रैवलिंग नहीं किया हूं। तो आने वाला फ्यूचर में आई होप कि फ्लाइट से ट्रैवलिंग करूंगा, रांची से ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं तो जाऊंगा पक्का, श्योर। तो ये एयरपोर्ट एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है और एयरपोर्ट को भी और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब देखते हैं कि स्कूटी पार्किंग कहाँ करेंगे, पार्किंग मिल जाएगा तो टेंशन है नहीं, साइड में कहीं लगाना ही पड़ेगा अपन को। एयरपोर्ट पहुँच गया है, ये मस्त एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है। एयरपोर्ट थाना चलो एयरपोर्ट तक पहुँचे, यहाँ लगाते हैं बाइक, बट यहाँ से वॉक करके जाएगा फिर। तो पहुँच गए एयरपोर्ट।